उनके लिए कुछ कहूँ। वो इतने महान व्यक्ति थे। एक शब्द जो मैंने मालचंद जी से इनके किताब में से उठा लिया, अप्रतिम, वो एक शब्द ही है जो बिज्जी को परिभाषित करता है। राजस्थान के लोग या जो लोग उन्हें जानते थे वो विजयदान देथा को बिज्जीदा या बिज्जी कहा करते थे। मैंने एक बार उन्हें किसी बात पे पत्र लिखा था और चौथे दिन मुझे उनका जवाब भी मिल गया, जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि अपने हस्तलेख पे ध्यान दो, जमा जमा कर लिखा करो। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, इतना व्यस्त लेखक, इतना महान लेखक और एक अकिंचन पत्र का उत्तर दे रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बोरुंदा से कोई जवाब आएगा। तो आज हम उन्हीं विजयदान देथा के बारे में ये सत्र करने चले हैं। मैं मालचंद जी का परिचय दूं, बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आप लेखक हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, और सबसे महान कार्य जो इनके खाते में है, जिससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, इन्होंने बड़ा लंबा वक्त बिताया बिज्जी के साथ और बातारी फुलवारी का अनुवाद किया। 14 भाग हैं, 10 वो कर चुके हैं, बाकी भी करेंगे। उनकी अन्य पुस्तकों के नाम हैं बोरुंदा की डायरी, इस पे तो सत्र ही है, पानीदार, सुकांत के सपनों में, जालियों और झरों के, त्राण, धंधत, उतरायो है अभू, उतरायो है अभू। ये राजस्थानी से हिंदी में बोलने में कुछ फर्क आ जाता है। दूसरे मेरे बंधु हैं रामकुमार, ये पटकथा लेखन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो एक फिल्म है जेट प्लस, वो बड़ी चर्चित हुई। फिल्मी गीतकार भी हैं, आलोचक भी हैं, स्तंभ लेखक भी हैं। अनेकानेक विधाओं में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आपने भी अनुवाद किए हैं, और आप सब शायद डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के नाम से परिचित हों। ये वही सज्जन हैं जिन्होंने चाणक्य नाम की सीरीज डायरेक्ट की थी, और अभी हाल में अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर, जेड प्लस राजनीतिक व्यंग चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया। तो ये ख्याति है इनकी, और ये और भी कई फिल्में बनाते हैं जो देश विदेश में चर्चित हुई है। भोभर इनकी बहुत प्रतीक्षित, बहुत चर्चित रचना है। देखिए, ये इन लोगों का परिचय नहीं है, ये तो एक शब्द जाल है जो मैंने बुना है, ढीला भी हो सकता है। लेखक का असली परिचय है उसकी रचना में और उसके प्रस्तुतिकरण में। इसलिए अब मैं रचनाकार और श्रोता के बीच में से हट जाती हूँ, और अब आप ही देखिए कि कैसे महान रचनाकार हमारे देश में है। एक बात मालचंद जी के बारे में, मैंने सुबह बोरुंदा की डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए, बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें वापस दे पाई। पूरी श्रद्धा थी कि मैं इस किताब को मार दूं, लेकिन मालचंद जी मुझे छोड़ते क्या, इसलिए डर के मारे मैंने वो किताब इन्हें वापस कर दी, इस प्रण के साथ कि पहला काम मुझे ये करना है कि बोरुंदा की डायरी मंगाऊं। इसके उदाहरण विश्व साहित्य में कमी है। एक ही ध्यान में आया, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन की जो बायोग्राफी बॉसवेल ने लिखी, वो बोरुंदा की डायरी पर मुझे लगता है हल्की ही बैठेगी, क्योंकि जो कथा रस इसमें है उसका वहाँ मुझे अभाव लगा। और कई आलोचकों का कहना है डॉक्टर जॉनसन जॉनसन नहीं होते अगर बॉसवेल ने वो आत्मकथा न लिखी होती। मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जो श्रद्धा, जो प्यार इनके शब्द शब्द में विजय जी बिज्जी के लिए टपक रहा है, उसका अपमान होगा अगर मैं ये कहूँ कि मालचंद जी ना लिखते तो वो नहीं, ना। लेकिन ये काम तो मालचंद जी ने किया ही है कि ऐसे महान अप्रतिम व्यक्तित्व को उनके अनछुए क्षणों में कैमरे की तरह पकड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। आपका ज्ञान अधूरा रहेगा अगर आप बोरुंदा की डायरी नहीं पढ़ते हैं तो कृपया अधूरे न रहें जीवन में, बोरुंदा की डायरी देखें। और इनका भोवर प्रस्तुत है, अब इनका अपना पाठ।
मालचंद जी। लता जी और मेरे बहुत ही होनहार साथी राम कुमार जी और आप सब मित्रों, विजयदान देथा के बारे में यहाँ बैठकर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे जैसा लता जी ने कहा कि अगर बोस्टन ने जीवनी तो फिर जॉनसन ना होते। मैं आपको बताता हूँ कि रूस के मशहूर उपन्यासकार दोस्तोवस्की ने एक बार कहा था, ओवरकोट गोगोल की कहानी है, दोस्तोवस्की ने कहा था कि हम बाद की पीढ़ी के सारे लोग गोगोल के ओवरकोट की जेब में से निकले, हम विजयदान देथा के अंगरखे की जेब में से निकले। मित्रों, विजयदान देथा ऐसी शख्सियत थी कि जैसा गांधी जी के लिए आइंस्टीन ने कहा, अब गांधी जी भी मशहूर आदमी थे, आइंस्टीन भी मशहूर आदमी था। बिज्जी के मामले में, मेरे और बिज्जी के मामले में ये तो ठीक बात है कि बिज्जी बहुत मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं उतना मशहूर नहीं हूँ, इसलिए मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा जैसा आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली नस्लें विश्वास नहीं करेगी कि एक हार्ड मास का पुतला जिसने इतना काम किया इस दुनिया में चलता फिरता नजर आता था। बिज्जी का कद 5 फुट 2 इंच मुश्किल से होगा और एक अपनी धुन में खोया सा ऐसा आदमी था कि आपको लगता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। और मोन्यूमेंटल किताब काम कर दिया उन्होंने, उनकी किताबों को जचाने पर एक छोटी मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। बातारी फुलवाड़ियों के 14 भाग 9 भागों में राजस्थानी हिंदी कहावत कोश, बहुत सारे दूसरे काम, लोकगीतों का संग्रह, फुलवाड़ियों का संग्रह, रूख नामक एक बहुत विशद ग्रंथ का संपादन, कितने पाठ शोधन, कितना इतना काम है कि उनकी सारी किताबें और हिंदी में इतनी किताबें कोई प्रकाशक नहीं होगा जिसने उनकी किताबें नहीं छापी। हिंदी के एक आलोचक ने लिखा, जब विजयदान देथा पहली बार हिंदी में छपे तो रविवार में आलोचक ने लिखा, जो हिंदी कहानी के 100 साल का सफर कॉलम लिख रहे थे उसमें लिखा कि हिंदी के पास अगर एक विजयदान देथा हो तो हिंदी कहानी का सारा गतिरोध दूर हो जाए। ये हिंदी ने जिस तरह से स्वागत किया विजयदान देथा का उसकी बात बताता हूँ। तो मित्रों, बिज्जी को याद करना मेरे लिए तो मुझे आज तक ये स्वीकार्य नहीं है, 1 साल करीब हुआ है कि बिज्जी के बिना मैं संसार में रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनका इतना वात्सल्य मिला कि मैं लगभग एक तरह से अपने को बहुत अनाथ सा महसूस करता हूँ उनकी अनुपस्थिति में। और 1.5 साल में लगातार उनके साथ रहा, रोज का साथ। उस दौरान मैंने कुछ दिन तो नहीं किया, लेकिन बाद में मेरे मन में आया कि मुझे इसका दस्तावेजीकरण करना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो मैंने रोजाना रिलीजियसली जितने दिन बोरुंदा में रहा, रोजाना 3, 4, 5, 2, 1 जितना भी लिखा गया, एक पृष्ठ इतनी मैंने डायरी लिखी और बोरुंदा डायरी के नाम से वो पुस्तक आई और राजकमल प्रकाशन से ये पुस्तक आई है और बहुत बेहद लोकप्रिय हो रही है हिंदी पाठकों के बीच में, ये बहुत अच्छी हो रही है। और तो और मेरे जयपुर के दोस्त हैं वो भी मेरा इसका अनुमोदन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मित्रों ने खरीद के भी इसको पढ़ा। इस डायरी में से मैं आपको कुछ अंश सुनाता हूँ, जैसा कि ये शेड्यूल है। एक छोटा चैप्टर है, सुई पिरोना। आप देखिए विजयदान देथा कैसे एक साहित्यिक अदबी उस्ताद की तरह बात करते थे मेरे से। बिज्जी के स्वास्थ्य की स्थिति उत्तरोत्तर गिरावट पर है, उनको स्मृति भ्रंश हो रहा है, वे पता नहीं किन संदर्भों में भटक रहे हैं। कभी छत से टपकते पानी से उनकी रजाई भीगने लगती है, कभी एक गुलाबी जल का झरना उनके कमरे की छत के कोने पर बहता दिखाई और सुनाई पड़ता है। अचंभे से सवाल करते हैं, तुझे दिख रहा है, सुन रहा है? ऐसे सवाल बार बार पूछने पर मैं उनका मन रखने के लिए झूठ बोल देता हूँ, हाँ सचमुच कैसा अलौकिक झरना है, और देखिए आपके कमरे में गिर रहा है
और आंगन पर पानी की एक बूंद तक नहीं। सचमुच किसी इंसान का, और वह इंसान बिज्जी सरीखा कृति व्यक्तित्व हो तो मन रखने के लिए झूठ बोलना कितना सुखद और प्रीतिकर है। इतने दिनों में आज पहली बार बिज्जी को निढाल और पस्त देखा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी, झुंझलाहट भी। मैं लगभग 26-27 वर्षों से उनको जानता हूँ। समय की कई इकाइयों, मिनट, घंटा, सुबह, शाम, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना और अब पिछले 3 महीनों से अहरनिश मैंने उनके साथ समय बिताया है। अब भी वे अपनी कहानियों में ही सांसें ले रहे हैं। मैं फुलवाड़ी के पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें भाग का हिंदी अनुवाद प्रकाशक के सुपुर्द कर चुका हूँ। उनको विश्वास है कि मैं बातारी फुलवाड़ी को हिंदी पाठकों तक बातों की बगिया बनाकर पहुँचा दूंगा। फिर भी एक दिन अपने बहुत करीब बुलाकर कहा, ला हाथ दे। मैंने अपना दायां हाथ दिया तो उसे अपने गले पर रखकर बोले, अब कसम खा, मेरे गले की कसम, कि फुलवाड़ी के हिंदी अनुवाद के काम को अंजाम दिए बगैर बोरुंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम खा कि ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, बिज्जी के लिए कर रहा हूं। उनकी स्थिति ठीक रहे तो शाम को मुझसे मेरे अनुवाद में फुलवाड़ी के हिंदी अनुवाद का वाचन सुनते थे। झोंपड़ी का ज्ञान पर बड़े मुग्ध हुए। कहा, कड़ी से कड़ी मिलने पर ही जंजीर बनती है। बस गद्य लिखने का इतना ही मर्म है। सुई पिरोना आता हो तो कसीदा काटना सीखा जा सकता है। सुई पिरोने के लिए बारीक बीनाई की जरूरत होती है। दूसरे की पिरो कर दी हुई सुई से कोई कसीदा नहीं निकाल सकता। तेरे को सुई पिरोनी आती है। ये कंसा, एक छोटा सा अंश और पढ़ता हूं। दिन का देहांत, इसका शीर्षक है दिन का देहांत। लगभग 20 दिनों के अंतराल बाद आज बोरुंदा बिज्जी के गांव पहुंचा हूं। घर से 8:30 बजे सवेरे निकला, सो बिज्जी के घर में कदम रखने तक 5:30 बज गए। पूरा दिन तबाह। कृष्ण बलदेव वेद के शब्दों में दिन का देहांत। एक बार मैंने वेद जी को 10:00 के लगभग फोन किया तो उन्होंने अपने खूबसूरत संशयात्मा लरसती सी हाहू में मुझसे बात कर मुझे निपटा दिया। मैं समझ गया वे सदा सुहागन रम में डूबकर दुनिया और दीन को मजाज के शब्दों में फितनाए अक्ल से बेजार होकर अलविदा कह चुके। लेकिन चौथे पांचवें दिन ही उनका बड़े बड़े हरफों में काली स्याही से लिखा खत मिला, जिसका पहला ही जुमला था, तुमने फोन किया तब तक मैं दिन का देहांत कर चुका था। यों भाषा में दिन का देहांत करने वाला कोई दूसरा लेखक है हिंदी में? बहरहाल मैं आते ही बिज्जी के कमरे में गया तो वे अपने रुमाली पर्दे में गहरी नींद में निमग्न थे। रुमाली पर्दे का मतलब एक तहाया हुआ रुमाल ललाट पर, एक तहाया हुआ रुमाल आंखों पर और एक तहाया हुआ रुमाल गले पर। पीठ के बल लेटना और गहरी नींद सोना, यह है जलवा 90 वर्षीय अप्रतिम भारतीय कथाकार बिज्जी का। दस्तावेज 135 में बनारसी दास चतुर्वेदी पर एक आलेख पढ़ा तो पता चला कि उन्होंने हिंदी साहित्य में एक जनपद आंदोलन चलाकर आंचलिक भाषाओं के साहित्य के विकास का बीड़ा उठाया था। उन्होंने इस साझे मंच को भारतीय संस्कृति का मायका कहा था, जहां अलग अलग जगहों पर ब्याही भाषा बहने मायके में आकर अपने मन की बात करें। बिज्जी का बुलावा आ गया है, इसलिए भागकर जाना पड़ेगा, शेष कल। हाँ, एक अंश है, लता जी को बड़ा अच्छा लगा, मीठा है, ये बिज्जी का सवाल है, मीठा है।
आज जमकर काम किया, तीसरे भाग की भूमिका पूरी की। आठ राजकंवर का पहला अध्याय चिड़िया के बच्चे का अनुवाद किया। बिज्जी की तबीयत अब दिनों दिन गिरावट पर है, ऐसा लगता है वे खुद को जीवन से विड्रॉ कर रहे हैं। बार बार देवल साहब, प्रख्यात राजस्थानी कवि पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल के आने के बारे में पूछते हैं। वे उनके शागिर्द और जमाता दोनों हैं। मैं दिन का खाना बिज्जी के साथ खाता हूँ। आज वे 9:45 बजे मेरे पहुँचने से कुछ ही देर पहले उठे थे। सोए पड़े रहते हैं दिन भर रात भर, कहते हैं नींद नहीं लेता, पड़ा रहता हूँ। उनकी व्यवस्था उनके चेहरे पर लिखी रहती है। काल बड़ा निर्मम है, उसने इस अप्रतिम पुरुषार्थी को अपना शरणार्थी बनाकर रख दिया है। उनको लिखना छूटने का इतना अफसोस नहीं है जितना पढ़ना छूटने का। अपने उपन्यास महामिलन की पंक्तियां दिन में कई बार पढ़ने की जिद पर अड़कर मात्र अंगुलियों के पोरों से सहलाते रहते हैं। दिखाई नहीं देता तो टेबल लैंप को धकेल धकेल कर किताब के पन्ने पर टिका देते हैं, मतलब टिका देते हैं। आज दिन में थोड़ी बातें की, पूछा एक राजकंवर पूरा कर लिया, मतलब तीसरे भाग के आठ राजकंवरों के आख्यान में से एक का हिंदी अनुवाद पूरा कर लिया। फिर अचानक उनको दशकुमार चरित याद आया, मुझसे पूछा पढ़ा है तुमने, मैंने हाँ भरी। फिर पूछा किसका लिखा है, मेरे उत्तर देने से पहले खुद बोले नागदेव का। मैंने निवेदन पूर्वक कहा नहीं, हर्षदेव का। तो खुश हुए। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे फ्रेंच काफ्का की एक कहानी माई 11 सन्स बहुत पसंद है और मैंने कभी इसका हिंदी में अनुवाद करके इसका नाम एकादश कुमार चरित रखा था। वे बड़े खुश हुए, कहा कमाल का शीर्षक रखा तुमने। फिर मुझे लगा वे थक गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं उनसे 8-10 फीट की दूरी पर बैठा खाना खा रहा था। वे अपने नित्य सेवक चिमनाराम जी से पूछ रहे थे कि मुझे क्या क्या परोसा गया है। पूछा मीठा है, मैंने धीरे बोलकर चिमनाराम जी से कहा कहो अभी कुछ देर पहले गोंद का एक लड्डू खाया था। परंतु बिज्जी सीधा मुझसे ही पूछ बैठे, मालू झोलिया है, झोलिया मतलब पतला किया हुआ दही। मुझे कई बार ताकीद कर चुके तू रात को ड्रिंक लेता है, दिन में दही जरूर खाया कर। तालियां बजाइए साहिबान। कैसा पीछे सुनाई दे रहा है? तालियां नहीं बजाने का कारण हो सकता है जिसे कहते हैं स्पेल बाउंड। तो उस स्पेल से बाहर लाने के लिए तालियां में इस मधुर संबंध के कि बिज्जी को ये ख्याल कि ये सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, मीठा खाया। मेरी ये समस्या है कि मुझे कई जगह कहना पड़ता है कि और कुछ नहीं तो गुड़ ही दे दीजिए। इसलिए मैं बिज्जी की इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। अब आप हमारे युवा साथी से सुनिए उनकी बात और उनकी रचना राम कुमार। सबको नमस्कार। हम लोग असल में उस जनरेशन के लोग हैं जब बिज़ी अपनी बुजुर्ग अवस्था में थे और मैं एक बार सौभाग्य से मिला हूँ उनसे और मेरी कोशिश थी कि वो मेरी कहानियाँ पढ़ें एक बार, क्योंकि हम बिल्कुल मैं गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ और गांव से जब शहर आए थे तो कभी सोचते नहीं थे कि लेखक बनेंगे या लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि घर वाले एक तो वैसे ही हम विद्रोही थे, घर वाले साइंस पढ़ाना चाहते थे और हम साहित्य पढ़ने लग गए तो उनको बहुत ख़राब लगता था कि एक तो हमारे कहने में नहीं है। फिर साहित्य पढ़ते पढ़ते हम कहानियाँ लिखने लग गए और फिर कहानियाँ लिखते लिखते जिस चीज़ के लिए वो हमेशा डांटते थे कि फिल्में मत देखो, सिनेमा मत देखो, टीवी मत देखो, मैं टीवी में लिखने लग गए, सिनेमा में लिखने लगे। तो ये पूरी इस तरह की एक आ रही है आप लोग को आवाज़ आ रही है? पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है।
तो ये पूरी की पूरी जो यात्रा है वो एक अलग तरह की कि जिस तरह हम सोच के चले थे कि आए थे कि नौकर शाह बनेंगे क्या करेंगे, शहर में आके पूरी जबान हमारी एकदम कुंद हो गई थी, एकदम ऐसा लगा था जैसे गांव से आया वो आदमी, मुझे लगता है बिजी पूरी उम्र गांव में रहे और वो अपनी अपनी अभिव्यक्ति को उस तरह कर पाए। हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि हमारे दोस्त नहीं थे शहर में, हम लोगों के साथ हम लोग अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करते, तो मुझे लगा कि अपनी कहानियाँ कहना शुरू करना चाहिए और मैंने वहाँ से अपने लेखन की शुरुआत की और धीरे धीरे कहानियाँ इधर उधर छपनी शुरू हुई और फिर मैंने मेरा एक अलग जर्नी जो है वो सिनेमा के लिए शुरू की। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, मैं जो अभी कहानी का अंश सुनाऊंगा मुझे लगता है 10 से 12 मिनट में पूरी हो जाएगी। कहानी आग और पानी है और इसके मैं कुछ अंश जो है शुरुआती अंश आपको सुनाऊंगा। एक नींद थी दो आदमी। बिरजू का बापू सवाई सिंह इन दिनों किसी भी वक्त जोर से खांसने लगता था। वह खांसता था तो बिरजू को लगता था बापू अब मर जाएगा, उनके मरने के बाद गुरुजी स्कूल से उसे निकाल देंगे, स्कूल से निकलने के बाद वह आज़ाद हो जाएगा, अपनी मर्जी से खेलने कूदने लगेगा, जो कि अक्सर बापू उसे मना किया करते थे। बिरजू की माँ तो कई बार गुस्से में कहती भी है कि वह चैन की ज़िंदगी उसी दिन से जीना शुरू करेगी जिस दिन उसका बाप मर जाएगा। आखिर वह ऐसा आदमी है जो ऐसे सोचता है जैसे गाँव के लोग नहीं सोचते, वह एक खपती आदमी है, ऐसे खपती के जीने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं था या उसके ज़िंदा होने से दिखने वाले फ़ायदे को कोई समझ नहीं पा रहा था। सवाई सिंह के मरने से किसी को नुकसान नहीं था या उसके मरने से होने वाले नुकसान को कोई देख नहीं पा रहा था। बात मगर सच थी कि वह इतना ज़ोर से खांसता था कि आमतौर पर पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो जाती थी। आस पड़ोस के लोग आ जाते थे, कोई गर्म पानी पीने को कहता था, कोई काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ, हल्दी, चाय, धनिया, नमक, लौंग, मेथी समेत गांव के उस मोहल्ले में उपलब्ध सारी जड़ी बूटियां और सब्जी दाल के मसाले उबाल कर ले आते थे और उन्हें पिलाते थे। सवाई सिंह फिर भी खांसता रहता था, खांसते खांसते बेहाल हो जाता था, उसकी सांस फूल जाती थी, वो छाती के नीचे तकिया लगाकर उल्टा लेट जाता था, अपना मुँह ज़मीन की तरफ कर लेता था, धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण शायद उसकी गर्दन जमीन की तरफ लटकी रहती थी, जैसे चुंबक को लोहे से रगड़ने के कारण उसमें भी कुछ देर के लिए चुंबकीय असर आ जाता है, उसी तरह लगातार गुरुत्वाकर्षण के सीधे संपर्क में रहने के कारण सवाई सिंह के सिर और आँखों वाले हिस्से में शायद गुरुत्वीय ताकत आ जाती थी। अल सुबह उधर से यदि किसी की नींद गुजर रही होती थी तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से खींचती हुई सवाई सिंह की आँखों में आ जाती थी। बिरजू हमेशा ये अनुमान लगाने की कोशिश करता था कि जब पूरी रात बापू जाग सकता है तो उसे इतनी सुबह नींद क्यों आ जाती है। उसका शक मंदिर के पुजारी की नींद पर था, इधर सवाई सिंह को नींद आती उधर उसके घर के सामने ही माता रानी मंदिर में माइक में सुबह की आरतियां बजनी शुरू हो जाती। होता यूं होगा कि पुजारी की नींद जब सुबह सुबह पुजारी को छोड़कर लौट रही होती होगी उसी समय पिताजी के गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ जाती होगी। पुजारी रात को सोता भी विलंब से था और उसकी आँख भी जल्दी खुल जाती थी। पिताजी सोते जल्दी सुबह थे और उठने में उनको काफ़ी विलंब हो जाता था। होता यूं होगा कि नींद पिताजी की आँखों से निकलकर अपने घर पहुंचती होगी तो उसके घर वाले उसे सुबह देर से घर पहुंचने के कारण रात को जल्दी वापस नहीं आने देते होंगे। नींद अकेली थी उसका इस्तेमाल मंदिर का पुजारी और बिरजू का बापू बारी बारी करते थे। ये बात पूरे गाँव में सिर्फ बिरजू जानता था क्योंकि उसके पिताजी जब खांसते थे तो पूरे मोहल्ले की आँख खुल जाती लेकिन पुजारी सोता रहता था। जब मंदिर का माइक बजता था तो पूरा मोहल्ला जाग जाता था और सवाई सिंह सोते ही रहता था। लोग कहते थे कि बिरजू का बाप नास्तिक है, ईश्वर की माया में भरोसा नहीं करता, इसीलिए वह मर जाएगा। लोग कभी नहीं कहते थे कि उनके पिता आस्तिक हैं, वे ईश्वर और माया में भरोसा करते हैं लेकिन फिर भी जिंदा नहीं बचेंगे। लोग वो सब कुछ कहते थे जो वो कहना चाहते थे, लोग ऐसा कुछ नहीं कहते थे जो बिरजू सुनना चाहता था। मंदिर छोटे से बड़ा हो गया था।
इतिहास की दीवार से झांकने पर वे एक थाना नजर आता था। जब देश गुलाम था तो इस गांव में अंग्रेजों की एक चौकी थी, वह यहीं थी, इसमें लोग कैद रहा करते थे। जब देश आज़ाद हो गया था तो गांव वालों ने कहा कि अब उन्हें थाने की ज़रूरत नहीं है। सवाई सिंह कहने लगा, अब पूरा देश ही थाना हो गया है। पहले देश गुलाम था तो एक उम्मीद थी एक दिन आज़ाद हो जाएंगे, अब गुलामी ख़त्म होने का ऐलान हो गया तो उम्मीद भी ख़त्म हो गई कि एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरे देश के थाना बन जाने के बाद अब ये गांव उसमें बनी एक कोठरी है। गांव वालों ने कहा अब उनके पास छुपाने को कुछ बचा नहीं, इसलिए थाना हटा लिया जाना चाहिए। अब उनके अपराध करने की इच्छा भी मर चुकी है, इसलिए थाना हटा लिया जाना चाहिए। थाना हटा लिया गया था, गांव वालों की स्मृतियों के लिए वह मनहूस जगह थी। कोई वहाँ घर बनाने को तैयार नहीं हुआ, वह उजाड़ सा हो गया था। लोगों को लगता था गांव के बीचों बीच कुछ उजाड़ नहीं होना चाहिए, उजाड़ होने से बच्चे डर जाएंगे तो भूत प्रेतों को मौका मिलेगा। गांव के बीचों बीच मौके की ज़मीन की तलाश में भूत प्रेत भी रहते ही होंगे। इन दिनों गांव में बेमौसम बरसात हो जाया करती थी। एक तरफ बारिश हो रही होती थी तो दूसरी तरफ सूरज चमाचम चमक रहा होता था। पुजारी ने कह दिया था कि जब भी बारिश के साथ सूरज आसमान में चमक रहा है तो समझ लो भूतों के साओं के दिन हैं, भूत भूतनियाँ शादी कर रहे हैं। वे शादी कर रहे हैं तो उनकी संतानें होंगी तो गांव में उनका आवागमन बढ़ जाएगा। गांव में उनके लिए कोई जगह सूनी तो नहीं छोड़नी चाहिए। पता नहीं कब भूत भूतनी उसी थाने की इमारत में अपने बेटे बहू को शादी के बाद अलग से बसा दे। सवाई सिंह पुजारी का इस बात के लिए हमेशा मजाक बनाता था। वह जानता था कि पुजारी एक दिन इस गाँव को उल्लू बनाएगा। इस पुजारी से इस गांव को बचाया जाना चाहिए। हालांकि दोनों एक ही नींद बारी बारी से लिया करते थे, लेकिन उनके ख्यालों में ये अंतर चौंकाने वाला था। पुजारी कहता था कि दमे की बीमारी सवाई सिंह को परमात्मा ने सजा के तौर पे दी है। पुजारी के पास लंबा व्याख्यान होता था कि जैसे भोजन के बिना हम 3 महीने जी सकते हैं, पानी के बिना 3 दिन, लेकिन सांस के बिना तो 3 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाए। परमात्मा यातना देते हुए एक दिन सवाई सिंह की सारी सांसें छीन लेंगे। पुजारी अब तक पुजारी नहीं था, वह एक आम आदमी था, लेकिन एक घर में एक कोने में उसने माता रानी का छोटा सा मंदिर बनाया था। पूजा पाठ करते रहने के कारण उसका नाम पुजारी हो गया था। असल में उसका नाम हेमराज था, परंतु सब लोग उसे पुजारी कहने लगे थे। उसकी एक बीवी थी जिसे वह प्यार कम करता था, उस पर चिल्लाता ज़्यादा था। हालांकि जब वह चिल्लाकर थक जाता था तो उसे पता चल जाता था कि वह बेवजह चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने से उसकी बीवी पर रत्ती भर भी असर नहीं होता था, बल्कि वह तो खुशी दिखती थी। शायद वह मान चुकी थी कि एक दिन ज़्यादा चिल्लाने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वह आगे की ज़िंदगी सुकून से बिता पाएगी। लेकिन एक दिन पुजारी ने अपनी पत्नी पर चिल्लाना छोड़ दिया। उसकी बीवी को यह समझ नहीं आया कि वह पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। बहुत लोगों ने बाद में ये अनुमान लगाया कि किसी दिन उसने एक सपना देख लिया था। सपने में उसे माता रानी ने धमकी दी थी। उस दिन के बाद सुबह वह अपनी बीवी से बड़े प्रेम से बात करने लगा। इसी प्रेम के कारण उनको एक बेटा हो गया था और दिन महीने बरस बीतने पर वह बड़ा हो गया था। बड़े होते बेटे पर पुजारी को कई तरह के शक थे, जैसे वह उसकी जेब से बिना पूछे पैसे चुरा लेता है, जैसे वह स्कूल में नहीं जाकर दोस्तों के साथ इधर उधर खेलता रहता है। एक शक यह भी था कि उनका बेटा बीड़ी पीता है। उसने मोहल्ले के बच्चों को बात करते हुए सुना था कि उसका एकमात्र दुर्गा दत्त ही है जो बीड़ी पीकर बिना खांसी लिए नाक से धुआं निकाल सकता है। मन ही मन अपने बेटे की इस खूबी पर पुजारी खुश हुआ था। पुजारी ने खुद हरबंस की दुकान से बीड़ी खरीदी, घर आकर चुपके से एक बीड़ी सुलगाई, धुआं अंदर निकल कर मुँह बंद करके नाक से वापस धुआं निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही जोर की खांसी आ गई। 2-3 बार उसने ऐसा किया, लेकिन बाप होते हुए भी वह बेटे दुर्गा दत्त की नाक से धुआं निकालने वाली खूबी का मुकाबला नहीं कर पाया। बेटा बड़ा था, उसे कहना बेकार था बीड़ी पीने से नुकसान हो जाता है, ये बात नहीं थी, बल्कि उसे शक था कि शायद ही उसका बेटा उसका कहा मानेगा। अच्छा तो यही था कि वह कम से कम ये तो मान रहा है कि पुजारी उसका बाप है। सर्दियों की रात थी, पुजारी को नींद नहीं आ रही थी। उस दिन सवाई सिंह को खांसी नहीं आ रही थी, उनको नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद पुजारी ऊँग रहा था और सवाई सिंह कुनमना रहा था। नींद शायद दोनों के बीच कहीं उलझ गई थी। वह थोड़ी देर पुजारी की तरफ जाती थी और थोड़ी देर में भागकर सवाई सिंह की तरफ।
पुजारी दिन में बीड़ी पी चुका था, इसलिए उसे बीच बीच में खांसी भी आ जाती थी। सवाई सिंह ने आज वक्त पर दवाई ले ली थी तो खांसी नहीं आ रही थी। नींद शायद ऐसा चाहती थी कि सवाई सिंह को खांसी शुरू हो जाए तो वह पुजारी के यहाँ चली जाए। उस दिन नींद सवाई और पुजारी के बीच दौड़ते हुए हाँप गई थी। सवाई सिंह ने रात को सोने से पहले दवाई के साथ बकरी का दूध थोड़ा ज़्यादा पी लिया था। उसको पेशाब करने का मन हो रहा था लेकिन नींद के कारण उसे उठने का मन नहीं हो रहा था। वह हल्के होश में आता, उसका मन पेशाब के लिए उठने को होता। पुजारी खांसी के थमने का इंतज़ार कर रहा था। वह चाहता था नींद आ जाए। नींद को पता चल गया था कि सवाई सिंह को पेशाब जोर से लगी है। वह तुरंत उसकी आंखों से निकलकर पुजारी के यहाँ चली गई। नींद के कूदने की वजह से सवाई की आंखें खुली रह गई। पेशाब की थैली उफलने वाली थी कि वह घर के पीछे की तरफ चला गया। पुजारी की खांसी थम गई थी, नींद आ गई थी। सवाई वापस लौटा, तब तक हल्की खांसी शुरू हो गई थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था। नींद को लगा अब सवाई सिंह की तरफ आना चाहिए। पुजारी चौंक कर उठा। वह जोर से दुर्गादत्त के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। पूरे कमरे में धुआं भर गया था। सवाई सिंह ने पुजारी की आवाज़ सुनी तो उसके घर की तरफ दौड़ा। पहला मौका था जब पुजारी और सवाई एक साथ रात को जाग रहे थे। दुर्गादत्त के कमरे में आग लग गई थी। सवाई और पुजारी आग बुझाने में लगे। शोर शराबे में दुर्गादत्त की माँ भी जाग गई। दूसरे लोग आ गए। हुआ क्या था? सवाल था। हुआ ये था, रात को दुर्गादत्त छुपकर बीड़ी पी रहा था। अचानक उसे नींद आ गई। उसे पता नहीं चला कि छोटी सी चिंगारी उसकी रजाई में गिर गई थी। उसने धीरे धीरे सुलग कर आग पकड़ ली। कमरे में धुएं और नींद की वजह से दुर्गादत्त को पता ही नहीं चला। वह मदद को चिल्लाया भी नहीं। उसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पता कैसे चला? जैसा कि पुजारी ने बताया, पता ऐसे चला कि सपना आया था। सपने में माता रानी आई, पुजारी से कहा कि तेरा बेटा जल रहा है, बीड़ी पीते हुए जल रहा है। वह चौंक कर उठा। उठा तो देखा बात सच थी। नींद को लगता था अब सुबह तक इन दोनों को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह चुपचाप अपने घर की तरफ निकल ली। रात भर लोग इसे दुर्गादत्त के बचने को चमत्कार की तरह लेते रहे और सुबह होने तक माता रानी का आसन थाने वाली ज़मीन पर लगा दिया गया। उसी दिन वहाँ से माइक लग गया और आरतियाँ गूंजने लगी कि जय माता की। सवाई सिंह ने कहा, ये पुजारी ने छोटे मंदिर को बड़ा मंदिर करने के बनाने के लिए पूरी कहानी बनाई है। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग धीरे धीरे पुजारी की तरफ होने लगे। मंदिर के लिए चंदे की उगाही होने लगी। एक छोटा सा अंश और अगर समय दे दे, छोटा सा, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है इसका, बिल्कुल छोटा सा। कुत्ता कहीं का आया था एक दिन। कुत्ता काटने के लिए पुजारी के पीछे दौड़ा था। पुजारी को पता था कि अंततः कुत्ता उसे काट ही लेगा, लेकिन फिर भी वह दौड़ता रहा। शायद वह यह देखना चाहता था कि वह कितना तेज दौड़ सकता है। कुत्ता भी जानता था कि पुजारी में कितना दम है। वह अंततः पुजारी को काट ही लेगा। दौड़ते हुए पुजारी हाँप गया। हाँपने के बाद वह थम गया। कुत्ता भी हाँप गया था। पुजारी डर गया था। कुत्ता गुस्से से लाल हो रहा था। उसे गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा आया कि पुजारी जानता था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर भी उसने उसे दौड़ाया। पुजारी पहले रुक जाता तो सिर्फ वह एक जगह से काट कर उसे छोड़ सकता था, लेकिन कुत्ता बहुत भाग चुका था। अब वह विजेता था। उसने पुजारी को एक पिंडली में काटा। पुजारी तो समर्पण कर ही चुका था। कुत्ते ने बिना कोई दया दिखाए दूसरी पिंडली पर भी अपने दांत गड़ा दिए। वह बोल पाता तो पुजारी से जरूर कहता कि अगर तुम भागते नहीं तो सिर्फ एक पिंडली में कटवाने से काम चल जाता। पुजारी की पिंडलियों में लाल मिर्च भर दी गई। जैसा कि लोग मानते थे कि लाल मिर्च भरने की वजह से घाव जल्दी ठीक हो न हो, कुत्ते के काटने से होने वाली पागलपन की बीमारी ठीक हो जाती है। पुजारी को जो पीड़ा कुत्ते के काटने से नहीं हुई, उससे कई गुना तकलीफ लाल मिर्च ने दी। पुजारी बच गया था। उसे पागलपन जैसी बीमारी नहीं हुई, वरना वह कहीं का नहीं रहता। शायद ये बात ऐसे भी सच है कि पागलपन की बीमारी पुजारी को लगने से बच गई थी, वरना वह पुजारी को लगने के बाद उस तरह की पागलपन की बीमारी नहीं रहती जिस तरह की वह पहले होती थी। जरूरी नहीं कि जो आदमी पूजा करता है उसे झूठ बोलना नहीं आता, या जो झूठ बोलता हो उसे पूजा करनी नहीं आती। पुजारी के साथ ऐसा ही था। उसने कहा था कि यह कुत्ता जरूर कोई बुरी आत्मा का वंशज रहा होगा, जिनकी ज़मीन पर कब्जा करके उसने मंदिर बनाने की कोशिश की है। वो अपना घर छीनने से परेशान रही हो और उस आत्मा ने उससे बदला लिया, वरना पूरे गाँव में उसने पुजारी को ही क्यों काटा। जरूरी नहीं कि पूजा करने से हर आदमी का मन पवित्र हो जाता है, या जिसका मन पूरी तरह पवित्र हो उसमें बदला लेने की भावना नहीं आती। पुजारी के मन में कुत्ते के प्रति बदला लेने की भावना आ गई। बदला लेने की भावना आने के बाद पुजारी को नींद कम आने लगी। वह रात को बदला लेने के भाव से खांसता रहता था। इसका सीधा फायदा सवाई सिंह को हुआ। उनको खांसी कम और नींद ज़्यादा आने लगी। अब
चयन आपका है, इस पे कोई प्रश्न पूछेंगे आप या मैं और आपको रचना ट्रिब्यूट देना है ना, ट्रिब्यूट देना है। अभी मैं मालचंद जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पढ़ें। उनके बारे में कहता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा अंशोर सुना देता हूँ उसके बाद में। एक अंश है पर्यायवाची लिखने के बाद भी रोता है, बिजी में एक बहुत, ये युवा लोग जो जा रहे हैं कृपया बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए, सुनिए आप बिजी को, देखिए इस लहजे से, इस लहजे से आपको अंदाजा लग रही है और लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी स्कूल की सीनियर प्रिंसिपल रही हुई है। तो बिजी में एक आदत थी, उनका उनके जैसा आत्म प्रतिमान कोई दूसरा नहीं, मतलब किसी भी पात्रता की अंतिम सीमा बिजी स्वयं होते थे। वो किसी इतना अतिरेक में जीते थे, इतने मजेदार कहानियां गढ़ते थे, जैसे किसी की प्रशंसा करना हो जैसे किसी की निंदा करना हो, जितनी कहानियां जोरदार वो लिखते थे उतनी जोरदार कहानियों को जीते थे। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दो बातें बताता हूं, एक तो शीन का आप निजाम साहब है जोधपुर के, जिनके लिए बिज्जी ने अपनी एक किताब के समर्पण में लिखा कि मारे पूठे आखे राजस्थान, शीन थारोई नाम थारोई वो शीन कांप निजाम, मतलब मेरे बाद, दूसरे को तो कंसीडर ही नहीं करते, मेरे बाद राजस्थान में कोई साहित्य की हस्ती है तो शीन कांप निजाम है। इस पर बड़ा विवाद चला रुआ हुआ, लेकिन विजयदान देथा शीन कांप निजाम के कितने बड़े प्रशंसक थे इसके लिए उन्होंने एक कहानी बनाई, और मैं और सीपी देवल हमेशा कहते थे कि यह सच नहीं है, आपकी घड़ी हुई कहानी है। तो इस पर वो गुस्सा करते थे कि तुम बकवास करते हो, मैं कहानियां लिखता हूं, कहानियां बनाता नहीं हूं, ऐसे बात नहीं करता। कहानी यह थी, बिज्जी कहते थे कि एक दिन मैं शीन कांप निजाम के घर गया, वहां से निकलने लगा तो निजाम ने मुझसे कहा कि चलो बिज्जी आपको छोड़ देता हूं थोड़ी दूर। घर से थोड़ी दूर कर निकल कर आए तो पान की दुकान सामने आई, मैं पान खाता हूं, निजाम ने मुझसे कहा कि पान खिलाता हूं आपको, आइए पान खाइए। तो निजाम ने पता नहीं क्या किया, कुछ इशारा किया या क्या किया कि पान में तंबाकू ज्यादा डाल दिया पनवाड़ी ने, उसके घर के मोहल्ले का पनवाड़ी था। तो पान खाके मैं चला, वहां से निजाम लौट गया, मैं गांधी चौक में आया टैक्सी तक, टैक्सी में बैठा, तब तक मेरा मुंह पान की पीक से पूरा भर गया, और अब ये समस्या पैदा हो गई कि मैं थूकूं कहां। तो इतने में मैंने ऑटो में बैठ के इधर मुंह करके पिचकारी मारी तो एक जोधपुरी वाबा सफेद झक कपड़े पहने हुए ऑटो के पास से गुजर रहे थे, तो पूरी की पूरी उनके छींट बन गई कुर्ते पर, उन्होंने ऑटो पकड़ लिया और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ देखा, तो मैं घबरा गया और मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला कि देखिए मेरा ये दोस्त है शीन कांप निजाम, मैं इसके घर गया था और इसने मुझे पान खिला दिया, उसमें जर्दा ज्यादा था और मैं ये, तो उसने कलाई पकड़ और मजबूत की रिक्त ऑटो पे भी और मेरे हाथ पे भी, और कहा क्या कहा आपने, शीन कांप निजाम आपके दोस्त है? तो मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त है। निजाम ने आपको पान खिलाया? तो उन्होंने कहा हाँ, निजाम ने खिलाया तब हुआ, निजाम आपके दोस्त हैं, निजाम ने आपको पान खिलाया, निजाम आपको यहां तक छोड़ने आया। तो उसने ऑटो और मेरा हाथ छोड़ा और अपने कुर्ते का पल्ला पकड़ा और यूं फैला कर कहा कि तब एक बार और थूकना पड़ेगा। ये ऐसी कहानियां इतनी जबरदस्त घड़ते थे, जोधपुर के एक लेखक कि उनसे थोड़ी रिजेम्बलेंस थी, कभी कभी भ्रम हो जाता था एक जोधपुर के उनकी उम्र के ही लेखक कि वो आ रहे हैं तो लगता था बिज्जी आ रहे हैं, और बिज्जी को देखकर उनका कोई समझ लेता था। इससे बिज्जी को बड़ा घाटे का सौदा लगता था ये कि मुझे देखकर उसका समझे और उसे देखकर मेरा समझे, बिज्जी को लगता था ये बड़ा ठीक नहीं है। तो उन्होंने हमारी उम्र के एक हमारे लेखक साथी को, जिनका नाम भी बता देता हूँ, मिठेश निर्मोई, मिठेश निर्मोई से कहा
कि मिठेश मेरा एक काम कर सकता है तू? मिठेश ने कहा, बाबा आप कहो काम नहीं करूं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप कहो कि मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि वो लेखक फला लेखक है ना, तो उसके मुंह पे तेजाब डाल सकता है। तो मिठेश ने कहा, ये क्या कर रहे हैं बाबा, इसको करने से आपको क्या फायदा होगा? कि फायदा ये होगा कि लोगों को देख कर, उसको लोगों को उसको देख कर ये बहम नहीं होगा कि वो विजय दान देता है। ये इस तरह की अति अतिरंजना डूंगरगढ़ में नंदकिशोर आचार्य, एक कार्यक्रम था संगमन, उसमें नंदकिशोर आचार्य ने अपने सत्र में एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य देके जब नंदकिशोर आचार्य नीचे आए तो बिज्जी उनके पास पहुंचे, इतने सीनियर लेखक, बिज्जी का इतना सम्मान, और जाके उनके सामने दोनों हाथ यों जोड़कर फैलाए, अंजलि की तरह फैलाए, और फैला कर कहा कि नंदू तू मेरे हाथों में थोड़ा सा थूक सकता है क्या? तो नंदकिशोर जी बड़े अचकचाए कि ये क्या करे, कि बिज्जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कि नहीं भाई, थोड़ा सा थूक दे, तुम्हारा थूका चाट लूं तो मुझे भी बोल ना आ जाए। ये उनकी स्टाइल थी अप्रिशिएट करने की, नेगेट करने की, अप्रिशिएट करने की। तो बिज्जी और दूसरा मित्रों कहानी में उन्होंने क्या किया, उनके बारे में ये कहा जाता है हमारे राजस्थान में कि उन्होंने लोक कथाएं लिखी, जो परंपरागत लोक कथाएं, उनको ऐसा कहा जाता है कि लोक कथाओं का संकलन किया। उन्होंने संकलन नहीं किया, झोंपड़ी का ज्ञान, जिस कहानी की मैंने बात की थी, उसका पहला पाठ है बातारी फुलवाड़ी के पांचवें भाग में, पांच पेज का, जिसका मैंने शब्द से अनुवाद किया। उसका एक पाठ 12 पेज का, फिर उसका एक पाठ रास्ते का ज्ञान नाम से सस्ता साहित्य मंडल से जो किताब छपी हुई है, उसमें वो कहानी है 43 पेज की। ये कहानी की ये जो विजयदान देता उत्खनन करते हैं अपने ही टेक्स्ट का, और उसमें से जो नया आलोक प्रस्फुटित करते हैं, नया अर्थ अनुगुंजित करते हैं, ऐसा अप्रतिम कथाकार भारतीय परिदृश्य में दूसरा कोई नहीं है, जो एक प्राप्त टेक्स्ट से जो लोक का है उससे इतने अभिप्रायों का, इतनी छटाओं का, इतनी पाठकीय रस का, इतनी बड़ी व्यंजना को संभव कर सके। शायद भारतीय कथा साहित्य में विजयदान देथा जैसा। और दूसरी बात यह कि लोक कथाओं में कथा का जो भी अर्थ है, जो भी, जैसे लोक कथाओं में नायक को लेके, जातियों को लेके, हमारी सामंती संरचना में जो वैल्यू सिस्टम है उसमें छोटी जातियां, राई का है, जाट है, जिनको हमेशा ऐसा माना जाता था कि ये बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, या इनमें बुद्धि नहीं है, या ये ऐसा है, विजयदान देथा ने उसके अर्थ को इन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक उल्टा कर दिया। आप जिस दुविधा कहानी को जानते हैं, जिस पर पहली फिल्म बनी, उस पहली में भूत असल में खलनायक है, लेकिन विजयदान देथा के हाथ लगी ये एक दिन छोड़कर एक दिन आने वाला एकांत रेखा बुखार उतारने का टोटका किया जाता है इस कहानी को सुनाकर, जो एक छोटी सी कहानी है जिसमें भूत एक खलनायक की तरह आता है और खलनायक की तरह उसको बहा दिया जाता है और उससे बुखार से मुक्ति हो जाती है। इस कहानी को विजयदान देथा ने जब दुविधा बनाकर लिखा तो इसमें अर्थ की ऐसी ऐसी संभावनाएं नजर आ गई जो भारतीय दाम्पत्य पर, प्रेम रहित दाम्पत्य की त्रासदी की एक महागाथा के रूप में वो बन जाती है। भूत एक सच्चे प्रेमी की तरह आता है, नायक की तरह आता है। ये विजयदान देथा की लेखनी का कमाल है कि आज सारी सारी सहानुभूति हमारी वो लोक कथा का खलनायक भूत है वो ले जाता है, और एक प्रेम का सच्चा बिंब बनकर भूत हमारे सामने आता है। ये विजयदान देथा की लेखनी का कमाल है। उनकी लजवंती कहानी जो फेलन के हिंदुस्तानी कहावत कोश में एक हिंदुस्तानी कहावत के साथ उदाहरण स्वरूप 5 पंक्तियों में दी हुई है, जिसको विजयदान देथा ने एक अद्भुत प्रेम कथा लजवंती बनाकर लिखा, और इसी शीर्षक से उनका एक कहानी संग्रह भी छपा हुआ है जो वाग्देवी प्रकाशन से छपा हुआ है, जिसमें सारी प्रेम कथाएं हैं, सारी स्त्री नायिकाओं की कथाएं हैं। तो ये है विजयदान देथा, एक छोटा सा अंश सुनाकर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दूंगा और आप सब उनके बात करेंगे।
पर्यायवाची लिखने के बाद भी रोता है। 1987 में मेरा पर्यायवाची उपन्यास छपा था, वो विजयदान देथा के पास पहुंचा, वो विजयदान देथा के पास पहुंचा, विजयदान देथा ने उसे पढ़ा और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया ये दी कि मालू तुमने पर्यायवाची बहुत अच्छा लिखा है, और अगला वाक्य बोला इसमें तो तुमने मुझे भी मात दे दी। ये उनकी स्टाइल थी, मात उनको कोई नहीं दे सकता था, लेकिन ये उनकी अतिरंजना में बात करके अपनी बात कहने की अदा होती थी। उसी पर्यायवाची के बारे में एक चैप्टर है, बिज्जी दो दिन से अन्य मनस्क लग रहे हैं, मुख विवर्ण, आंखें निस्तेज और देह की बची खुची गतियों में भी एक अनुत्साह सा। आज नाश्ते के लिए गया तो चिमना राम जी ने उनके एन बाजू बैठकर उन्हें दूध के साथ सेब को काटकर मिक्सी में चला देने पर बनने वाला सर्वथा अनऑर्थोडॉक्स शेक पिला रहे थे। इसे बिज्जी जूस कहते हैं, आप बैठ जाएंगे प्लीज सर, इसे बिज्जी जूस कहते हैं, और कई बार स्नेहावेग में आकर मेरे मत्थे भी मर देते हैं। गाय के ठंडे दूध में सेब की ये घोटाई कभी कर देखिए, पीते वक्त बला की घुटन पैदा करती है, पर बिज्जी को पसंद है। वैसे इसकी भोजन गुणवत्ता तो खैर बेजोड़ी है, वे बड़े निसंग भाव से चिमनो जी के कटोरा अदर सम्मेलन पर एक एक घूंट जूस पी रहे हैं। पास में एक सिका हुआ पापड़ रखा था, मैंने आकर हसबे मामूल पांव छुए और कहा प्रणाम करूं सा, आंखें बस कांपी भर, न उठी न गिरी, बोले तो कतई नहीं। मैं सोफे पर बैठ गया, चिमना राम जी ने उनके दाएं कान के एकदम करीब अपना मुंह ले जाकर किंचित जोर से कहा माल जी प्रणाम करियो, जवाब क्यों नहीं दियो, फिर भी चुप। मैं सोफे पर बैठा अपने नाश्ते की प्रतीक्षा करने लगा, तब तक वे खा पी चुके, चिमना राम जी ने प्लास्टिक के एक धामे में उन्हें कुल्ला भी करवा दिया। मैं उनके निकट की कुर्सी पर जा बैठा, आम तौर पर सवेरे कमरे में जाने पर उनका मुझसे पहला सवाल होता है कौन सी कहानी कर रहा है, आज चुप। मैंने ही कहा बारवां भाग पूर्ण होने को है, आखिरी कहानी चल रही है, ठग की साहूकारी, यह हिंदी में छपी है कहीं। उन्होंने गर्दन भर हिलाई इनकार में। मैंने प्रतिवाद किया इतनी धाकड़ कहानी तो हिंदी में छपनी चाहिए थी, इतनी धाकड़ कहानी तो हिंदी में छपनी चाहिए थी, नो कमेंट। चिमना राम जी हाथ के सारे काम खत्म कर उनके बाजू आ बैठे, पीठ खुजलाने लगे। मैं चिमना राम जी से बतियाने लगा, वे चुप। यह एक असंभव सी चुप्पी हुई उनकी, कोई दो लोग या ज्यादा भी उनकी उपस्थिति में उन्हें शामिल किए बगैर बात नहीं कर सकते। उनका यह तरीका आजीवन देखा है मैंने, कोई बात गुनगुन हंसी उनके कानों में पड़ी नहीं, और उन्होंने पूछा नहीं क्या क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे भी बताओ। हाल के दिनों में इस पर चिमना राम जी उच्च श्रवा परिणाम पर जाकर कहते हैं कोई बात नहीं, माँ ये क्या हो रहा है, मुझे इतना उद्वेग क्यों मुझमें, सो भी बिना किसी तात्कालिक कारण के। भगवान ये थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। तो मित्रों ये आप माँ ये क्या हो रहा है मुझे इतना उद्वेग क्यों मुझमें, सो भी बिना किसी तात्कालिक कारण के। भगवान आपने गीता में तो कह दिया, पर अब कैसे पता चले कि कौन सा गुण किस गुण में बरत रहा है, गुणा गुणे सुवर्तन्ते। भगवान कोई 25 वर्ष पहले मैंने इसी बोरुंदा में अपने आज जैसे ही चित विक्षिप्त प्रवास में कोई एक सप्ताह गुजारा था। मैंने अपनी तब की उम्र को सर्वथा शोभनीय तब की उम्र की सर्वथा शोभनीय उत्कंठा और महत्वाकांक्षा पर सवार होकर RS की परीक्षा दी थी, शायद 1989-90 की बात है, पहले ही प्रयास में लिखित परीक्षा पास कर साक्षात्कार द्वार पर जा पहुंचा था। बिज्जी उन दिनों तक मुझसे प्यार करने लगे थे, उनकी कहानी पर आधारित प्रकाश जागृत फिल्म परिणति
श्री डूंगरगढ़ में 6-7 महीने के स्थायी डेरों वाले लंबे शूटिंग शेड्यूल के साथ शुरू होकर प्रदर्शित भी हो चुकी थी। उस फिल्म की ओर झा बंधुओं प्रकाश झा और उनके अनुज प्रभास झा, जो आजकल कहीं नहीं पाए जाते, की कहानी फिर कभी। इसी अवधि में मेरा मात्र सप्ताह भर में जिद पर सवार होकर लिखा गया उपन्यास पर्यायवाची भी प्रकाशित हो चुका था। बिजी इस उपन्यास पर इस कदर मुग्धाधिमुग्ध हुए कि मिलने पर अपनी अतिवादी शैली में यो बधाई दी, इस उपन्यास में तो तूने मुझे ही मार दे डाली। तो इस उपन्यास प्रकाशन के अगले 2-3 वर्ष की बात है। लिखित परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर मैंने अपनी प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार दिया और अनुत्तीर्ण रहा। मेरी सिफारिश मात्र बिज्जी, मेरे साक्षात्कार बोर्ड के प्रमुख राजस्थान के एक सेवानिवृत्त सम्मानीय IPS अधिकारी स्वर्गीय श्री भवानी मल जी माथुर, बिज्जी के अनन्य मुरीद। बिज्जी ने कहा था मुझसे, मैंने भवानी को कह दिया, मेरा एक भतीजा भी साक्षात्कार दे रहा है, लेकिन मालचंद तिवाड़ी मेरे बेटों से भी बढ़कर है। बिज्जी ना सही, भवानी बाबू रहे होंगे दुनियादार। बिज्जी के भतीजे का प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, मेरा अधीनस्थ सेवा में। समय के हिसाब से मैं इसको ये करता हूं। इस टेक्स्ट के साथ बिज्जी को मैं ट्रिब्यूट। मुझे लगता है कि एक छोटा सा किस्सा जो मैंने मेरे मित्र से सुना बिज्जी को लेके, वो मैं सुना के फिर आप सवाल जवाब करें। 2 मिनट में सुना दूंगा, 2 मिनट में। नहीं, आप सुनाइए। तो बिज्जी, जब पहेली का जिक्र है, तो पहेली रिलीज हुई तो उनको जब उसकी लॉन्च पार्टी में बॉम्बे बुलाया गया और वहाँ शाहरुख खान, और ये मैंने लिखा है मेरे ब्लॉग पे, तो वो लौट के, महेंद्र बना शायद साथ थे उनके, तो लौट गए तो आके उन्होंने कहा, भाई कैसी रही पार्टी, क्या रही वहाँ, शाहरुख खान मिले तो सबने मजाक बोले, और क्या बात करते हो, रानी मुखर्जी भी मिली, और रानी मुखर्जी ने तो आके बिज्जी को गाल पे पप्पी भी ली। तो बोले, क्या बिज्जी ऐसा हुआ, सचमुच ऐसा हुआ? बड़े वाले बेटे ने कहा, बोले क्या बिज्जी सचमुच ऐसा हुआ? बोले हाँ, ली तो थी लेकिन बीच में मफलर आ गया था। चलिए सवाल जवाब। ये दोनों रचनाकारों ने अपनी रचना प्रस्तुति की, कोई प्रश्न यदि। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता गौड़ है। मेरा प्रश्न है अपने राम कुमार सिंह जी से। सर, मेरा निवेदन ये है कि आपकी जो कहानियां हैं या जो भी, उसमें आप सकारात्मक संदेश देने का पूरा आपने प्रयास किया है जो आपने कहानी सुनाई, लेकिन मैं इसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए चरित्र ज़्यादा मुख्य रहता है या जिस पे आपने चरित्र चित्रण किया है वो? मतलब मैडम, मैं तो बताऊँ क्या मतलब, मैं तो जैसे सोचता हूँ, एक चेहरे को देखता हूँ, उसको क्रिएट करता हूँ, और मैं, मुझे लगता है उसमें एक किस्सा चलता रहना चाहिए, मेरे पाठक को मज़ा आता रहना चाहिए। मैं मेरी बात भी कह दूँ, मुझे लगता है आप लोग कोई नहीं समझे होंगे कि नींद दो जगह एक नींद कैसे जाती है, तो मेरी परेशानी ये नहीं है कि आप समझें कि नहीं, आपको नींद आपको मज़ा आ रहा है, मुझे मेरे लिए वो क्लियर है कि वो नींद दो क्या है, एक तर्क है, एक अंधविश्वास है जो कालांतर में कहानी पूरी करती है, लेकिन आप नहीं समझा, आपको फिर भी मजा आ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है। मतलब आप नहीं, आनंद के साथ आपने बहुत अच्छी एक संदेश भी दिया आपने कहानी के माध्यम से, कि कुत्ता भी पंडित जी की व्यथा को समझ रहा है, इसीलिए वो कहता कि अगर पहले रुक जाता तो शायद एक छोटा सा काटने से उनका संकट निपट जाता। मुझे तो हम लोगों ने वो वहीं से सीख दिया कि कुत्ता भी कोई कुत्ता नहीं है वो, मतलब जो आपने देखा होगा हमारी बिज्जी, उनकी कहानी में पता नहीं छोटे छोटे डेरा वेरा, मेरे यहाँ कहानियों में बकरियाँ भी बात करती हैं आपस में, मतलब आपस में जानवर भी बात करती हैं। ये कहानी जिसमें गेहूँ जो सरकारी राशन खा रही हैं, तो एक जो सरपंच की बकरी है वो ज़्यादा सुंदर हो गई है, तो वो पूछती है कि बहन आजकल क्या चक्कर है, बोले आजकल मुफ्त का माल प्रोटीन आ रहा है इसलिए, तो आपस में बात करती हैं, मेरे सब लाभ बात करते हैं आपस में। तो मैं चाहती हूँ इसी विधा को अगर आप हमारे आने वाले, चूंकि आप एक बहुत बड़े निर्देशक के पद पर स्थापित हो चुके हैं, नई जनरेशन को इस चीज से जोड़ने के लिए मैं चाहूंगी आप हमारे जो कम से कम गांव में स्कूल है उन पे आप। जी जी जी, शुक्रिया। और भी सज्जन कोई पीछे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो रहे वहाँ पे। सर, जैसे कि आपने कहा कि दो नींद और एक आदमी, आपसे पास लें थोड़ा, दो नींद एक आदमी, तो क्या आजकल की युवा पीढ़ी में इस तरह की हो रहा है कि
हमारी नींदें उड़ रही है, हम इसी तरह से पूर्वाग्रह से अभिहित है कि हमारी नींदें कहाँ खो गई है, माइक पास में ले लो, मुंह के पास। आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई, कृपया सर मेरे कहें और मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आपने दो नींद एक आदमी, एक नींद दो आदमी, जिस तरह से आपने बात कही, तो आजकल क्या लोगों में क्या दो नींद एक आदमी हो चुका है? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं मेरी नींद की कह सकता हूँ, मेरी पूरी किताब खरीद के पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। बहुत सारे आदमी है और एक ही नींद है। सर आपने अभी कहा था कि आप शहर आए थे तब आपका कोई दोस्त नहीं था और दोस्त के बिना आप अपने आप को अभिव्यक्त करने में मुश्किल हो रही थी आपको, तो क्या ये जरूरी है कि दोस्त हो तभी अभिव्यक्त हो, दोस्त ना हो तो अभिव्यक्ति अपन अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर दोस्त सकते? हो तो आपके पास ऑप्शन होता है ना, किसी दिन मैं सारे किस्से आपको ही सुना दूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे, इसलिए तो लिखे हुए किस्से। तो फिर आप एक बड़े रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित कैसे होते, तो दोस्त ना होना भी तो एक योगदान था ना, एक बहुत बड़ा। नहीं नहीं योगदान है, दोस्तों का भी है, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है ना आपको बनाने में, समय लगता है, आप हर किसी को दोस्त नहीं बना सकते, गांव वाले सब गांव में रह गए। कोई और प्रश्न? आप लोग तो बोलिए कुछ। दुर्गा प्रसाद जी, देखो 7 मिनट पड़े, सवाल पूछो नहीं तो अगली कहानी शुरू कर दूंगा मैं। नहीं मैं इससे पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ। राम कुमार जी से मेरा प्रश्न है। राम कुमार जी, आप लंबे समय से कहानियाँ लिखते रहे हैं और लता जी ने अभी आपके परिचय में भी ये बात कही, अब आप ने फिल्मों की तरफ रुख किया है, अपनी कहानी लिखने में अपनी आज़ादी होती है जबकि फिल्म के लिए लेखन करने में आपको दूसरों के दिए हुए निर्देशों का और बहुत सारी सीमाओं में बंध कर काम करना होता है, इन दोनों चीज़ों में से अपने मन से लिखना और दूसरों के निर्देशन पर काम करना, इनमें से क्या चीज़ आप अपने मन के ज़्यादा नज़दीक पाते हैं? देखिए सर, मैं समझता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल तो रहता ही है राइटर के जीवन में और ये हमने इस दौरान भी झेला है, ये देखा है, लेकिन जब आप अपना मैक्सिमम हिस्सा जो है वो मैक्सिमम पार्ट अपना रख पाएँ स्ट्रगल करते, कि जिस कैरेक्टर को आप जैसा चाहते हैं, जैसे आप अगर किसी कैरेक्टर को एंटी वूमन नहीं चाहते हैं कि नहीं करना ही नहीं चाहता मैं, तो आप लड़ सकते हैं उसके लिए, लड़ते रह सकते हैं, हालांकि स्ट्रगल रहता है मतलब आपको, क्योंकि बहुत मेरी 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 ताकत ये रही कि मेरा निर्देशक एक बहुत सेंसिबल आदमी है, मतलब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनके बुद्धिमता ज्ञान पे आप संदेह नहीं कर सकते और वो चीज़ों को जिस तरह से समझते हैं, तो हमारी कंडीशनिंग थी, जैसे नए लोग हैं, जो लोग मैं कहानी सुनाता भी हूँ डिस्कस होता है, वो अगर इस पे सहमत नहीं होते हैं, कमर्शियल करना चाहते हैं, तो मेरी मजबूरी नहीं है सिनेमा लिखना, मतलब मेरी रोजी रोटी चल रही है आराम से, मैं आराम से कर सकता हूँ और जो अपनी पसंद का होगा और एकदम यूँ लगेगा कि कोई आदमी मेरी तरह से नहीं कर रहा है, तो फिर मैं खुद फिल्म डायरेक्ट करूँगा। निरुपम, कोई प्रश्न? अजीत, ठीक है, मैं पुष्पा गोस्वामी, मेरा सवाल मालचंद जी से है। मालचंद जी, आप बहुत नज़दीक रहे बिजी के और बहुतों को इससे ईर्ष्या भी होती होगी और मुझे भी है जाहिर है, क्योंकि मैं बहुत मिलना चाहती थी उनसे और नहीं मिल पाई। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि बहुत बार आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है और लेखकों के बीच में कई ग्रुप भी होते हैं, उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें चल पड़ती हैं जो कि वास्तव में सही होती हैं या नहीं होती हैं उनका, जैसे बिज्जी के बारे में आपने कहा, बिज्जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने केवल लोक कथाओं का मतलब एक विस्तार किया या जो भी बेस उनका वही था, तो कभी इस चीज़ को प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि एक लेखक को क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए या जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए? बिजी क्या सोचते थे इस बारे में और वास्तव में क्या होना चाहिए? मैं ये सवाल, बिजी साहित्य में मौलिकता के प्रश्न को अपनी तरह से डील करते थे, वो लोगों के कहे हुए पर तो प्रतिक्रिया करते नहीं थे,
उस पर वो लगभग निर्द्वंद भाव से अपना काम करते थे और जो भी उनके बारे में कहा जाता उससे व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि मैं चूंकि मैं उनके बहुत निकट रहा तो उनके पीड़ा और दुख को तो मैंने देखा है, लेकिन इसकी सफाई उन्होंने जीवन में कभी दी नहीं, क्योंकि उनका असाधारण आत्मविश्वास था। और हिंदी में जैसे ही वे पहुंचे तो हिंदी ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया, तो उनके आत्मविश्वास को एक तरह से अखिल भारतीय अनुमोदन मिला और पूरी भारतीय भाषाओं में भी उनका स्वागत हुआ। लेकिन यहाँ राजस्थान में उनकी जो अवहेलना होती थी उससे उनको पीड़ा और दुख तो होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मामले में अपनी सफाई आप नहीं दी। अभी मैंने जो आपको सफाई दी कि बिजी की क्रिएटिविटी क्या है, उन्होंने टेक्स्ट के साथ किया क्या है, ये मैंने अभी अपने सत्र में बताया था। लेकिन बिजी को तकलीफ होती थी, बिजी इसकी सफाई नहीं देते थे कभी, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि बिजी को बाहर से अनुमोदन मिलने के बाद घर के लोगों ने भी अनुमोदन दिया, राजस्थान के लोगों ने भी अनुमोदन दिया, उनको माना स्वीकार किया। जब तक बाहर से नहीं मिला तब तक बिजी इस बात से दुखी जरूर रहे, प्रतिक्रिया नहीं की। नहीं, पहली से तो एक थोड़ा उसमें ग्लैमर का एलिमेंट और आ गया, एक अतिरिक्त ग्लैमर का एलिमेंट आ गया, क्योंकि फिल्म का माध्यम एक ऐसा है और शाहरुख खान फिल्म बनाए। अब लगे हाथ आपको मैं ये भी बता दूं कि शाहरुख खान ने इस पर फिल्म क्यों बनाई, इसके पीछे हुआ क्या था, घटना क्या थी। घटना ये थी कि फिल्म तो इस पर अमोल पालेकर बनाना चाहते थे, अमोल पालेकर के पास इतना बजट नहीं था जितना इस फिल्म के लिए जरूरत थी, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि रानी मुखर्जी अगर इसकी कास्ट में आ जाए तो फाइनेंसर मिल जाएगा, क्योंकि रानी मुखर्जी की मार्केट वैल्यू थी। तो रानी मुखर्जी को समय मांगकर कहानी सुनाने के लिए गए थे एक फिल्म की शूटिंग के शेड्यूल में। वहां जब रानी मुखर्जी को कहानी सुना रहे थे उस वक्त उस कहानी की भनक थोड़ी दूरी पर बैठे शाहरुख खान के कानों में पड़ी, तो एकदम से चौंके कि ये क्या कहानी है, भूत है और ऐसे है, भूत उसमें दुल्हन के साथ आ जाता है और उसका पति परदेश चला जाता है, तो इस कथा में जो आकर्षण था, इसमें जो रस था, उसने शाहरुख खान को खींच लिया और उन्होंने कुर्सी पास में सरकाकर उस कहानी को सुना और फिर अमोल पालेकर से कहा इसे मेरा प्रोडक्शन बनाएगा, इसे आप डायरेक्ट करेंगे, इसकी स्क्रिप्ट तैयार करवाइए। और फिर अमोल पालेकर की पत्नी ने और हमारे कैलाश कबीर बिज्जी के लड़के ने भी उसकी स्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन टाइटल में नाम उनकी पत्नी का गया है। तो इस तरह से बिज्जी अपनी ताकत से आगे बढ़ते हैं, बिज्जी नहीं है, अमोल पालेकर है, किसी और को रानी मुखर्जी को कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बिज्जी के शब्दों की ताकत है कि शाहरुख खान अपनी कुर्सी खींचकर उन शब्दों के करीब आते हैं और पहली जैसी फिल्म बनाते हैं। लेकिन इससे पहले उन पे फिल्में बनी है, चरणदास चोर जो है हबीब तनवीर ने पूरे हिंदुस्तान में उनकी खाती लो चोर कहानी पे खेला है। तो इस तरह बिज्जी एक अनंत संभावनाओं का नाम है, रचनात्मकता की अनंत संभावनाओं का नाम है, फिल्म के लिए, नाटक के लिए, कहानी कहने वालों के लिए और नाट्य रूपांतर करने वालों के लिए, कहानी को किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट करने वालों के लिए बिज्जी एक कथा खजाने का नाम है। उनके पास आप जब जाएंगे तब मिलेंगे। और चूंकि समय हो रहा है इसलिए मैं बिज्जी के बारे में फिराक गोरखपुरी का एक शेर उद्धृत करके इस सत्र को समाप्त करता हूँ। फिराक गोरखपुरी ने अपने बारे में कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेगी हम नस्लों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेगी हम नस्लों, जब जानेगी वो कि तुमने फिराक को देखा था। हमने बिज्जी को देखा है, अगली पीढ़ियां हम पे रश्क करेगी कि हमने बिज्जी को देखा। सवाल सर जी, टाइम ओवर हो गया। नहीं, बस एक छोटा सा सवाल है कि आप लोगों ने बहुत दिलचस्प अंदाज में जो एक तरह से साहित्य में लोक तत्व की प्रतिष्ठा की है उसके बारे में बताया, बिज्जी के बारे में भी बताया। सवाल मेरा ये है कि इतने दिलचस्प अंदाज के बावजूद और साहित्य में जो लोक तत्व है उसमें रसोन्मेष की और रसोद्रेक की इतनी ज़्यादा संभावना है, इसके बावजूद भी यह जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य की मुख्य धारा का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या इस स्टाइल में कुछ कमी है?
या जो जो समकालीन परिप्रेक्ष्य है उससे कुछ आप लोग कटे हुए हैं, हम दोनों लोगों से इस पर कमेंट चाहिए। देखिए, बिज्जी का नाम नोबल प्राइज के लिए प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उनको ये पुरस्कार मिला नहीं। हमारे यहाँ वो तंत्र ही नहीं है जो लेखक को चुन के या लेखक का सही मूल्यांकन करके उसको प्रोजेक्ट करे, उसको प्रतिष्ठित करे, उसका प्रचार प्रसार करे। यदि शरद चंद्र का सही वक्त पर अनुवाद हुआ होता और उनका प्रचार प्रसार हुआ होता तो चेखव से किसी मायने में कम नहीं है हमारे शरद चंद्र। टैगोर को पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद खुद किया, खुद गए वो उसको प्रमोट करने के लिए। तो हमारे इस तंत्र का सर्वथा अभाव इसमें है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, बिज्जी हिंदी के लेखक नहीं थे, राजस्थानी। बिज्जी को ज्ञानपीठ ने जब फेलोशिप दी तो उनको फोन पे कहा था प्रभाकर श्रोत्रिय जी ने कि बिज्जी ये फेलोशिप हम आपको देना चाहते हैं। जब तक 14 भाग लिख चुके थे उन्होंने उनको जवाब दिया कि ये फेलोशिप तो आप हिंदी में देते हैं, मैं तो राजस्थानी का लेखक हूँ, मैंने एक भी शब्द आज तक ऐसा नहीं है मेरा जिसे पहले राजस्थानी में ना लिखा हो और फिर हिंदी में अनुवाद ना किया हो। बिज्जी वो लेखक थे, इसलिए वो उनकी हिंदी की मुख्य धारा उनकी चिंता नहीं थी, वो विश्व साहित्य की मुख्य धारा में पहुंच गए, इसका प्रमाण है कि नोबल में उनका नॉमिनेशन हुआ। Can we please give a big round of applause for all of them? It was such a wonderful session. We would like to thank all our speakers, Malchand Tiwari ji,